हैं। तो ये जो मैडनेस सब नजर आ रही है सूर्या के अंदर, इसके पीछे काफी वर्कआउट है। उसने कहीं गाया नहीं, उसने कोई वीडियो नहीं बनाई, उसने किसी को बताया नहीं, ठीक है, मगर वो अपने गेम पे फोकस करता रहा। और आज दुनिया यकीनन उसको अभी एक साल तकरीबन हुआ है उसके डेब्यू को T20 के। आप देखें 140 करोड़ का वो लड़का वहां से निकल कर आया, 10 साल उसने अपने सिस्टम को दिए, 250-300। आप सूर्या को देख लो, आप सूर्या को देख लो, वो उसका एक रोल है, वो आके तेज खेलता है। नीचे पांड्या है, उसका एक रोल है कि उसने बिल्कुल ही बाहर छक्के मारने हैं ना, 4-5 ओवर है। हर एक ने अपना अपना रोल एक टीम में होती है। सूर्य कुमार हम कराची की सूर्य कुमार क्यों नहीं बना सकते, पाकिस्तान में सूर्य कुमार क्यों नहीं बना सकते, दूसरे को देख के स्टेटमेंट दे रहे हैं वो, इसलिए कि जैसे कि अभिषेक भाई ने कहा कि उसने डोमेस्टिक के कितने ज्यादा मैचेस खेले हैं। अभी जो मोहम्मद हारिस की आप भी तारीफ कर रहे हैं अपने शो में, हर कोई कर रहा है, मोहम्मद हारिस को देख के आपको हैदर अली याद नहीं आते हैं कि जिन्होंने इंग्लैंड में हाफ सेंचुरी कर दी थी, उसके बाद उनसे खेला नहीं गया। हम इस उरूज तक कैसे पहुंचेंगे, मतलब ये जो मकाम है उस तक मेरी जान, ये हम तोते की तरह रट लगाई हुई है कि आप अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज करें। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो फिर रिजल्ट फिर आपके सामने ही है कि हम भी स्ट्रगल कर रहे थे, पिछले मैच में भी स्ट्रगल कर रहे थे, थ्रू आउट स्ट्रगल कर रहे हैं, तो फिर स्ट्रगल करेंगे, फिर दुआओं पे ही है। सूर्या को मैंने अभी दो दिन पहले बताया कि 2017 में जब उसकी शादी हुई तो उसकी बेगम ने उसको बड़ा डाउन किया, उसने बोला कि यार तू भाई सुबह से निकलता है, रात में घर आता है, तू कौन सी क्रिकेट खेल रहा है, तेरा नाम ही नहीं, कोई जानता ही नहीं तुझे, ठीक है। तो उसके बाद उसने अपने कुछ फोकस चेंज किए, न्यूट्रिशनिस्ट कोचेस और वो उन लोगों से उसने मुफीद मशवरे लिए जो उसकी क्रिकेट को मेडलेस की तरफ लेके चले। पहली मरतबा कमरजा इफ्फी साहब ने कहा था सूर्य कुमार यादव के हवाले से कि आप इस प्लेयर को देखिएगा, ये 360 प्लेयर है और ये प्लेयर जो डायमेंशन जो है वो तब्दील कर देगा। और अब जो है वसीम अकरम ने भी इस डिबेट में जो हिस्सा लिया, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने कहा कि वो ऐसा लगता ही नहीं कि वो इस दुनिया का प्लेयर है, सूर्या कुमार जिस अंदाज से वो खेलता नजर आता है। इसमें मुझे याद है सबसे पहले आपने हमारे जो रेगुलर शोज होते हैं उसमें कहा था सूर्या कुमार के हवाले से, और उसने फिर साबित भी किया कि 360 किस तरह खेला जाता है, कम वक्त में किस तरह इंप्रोवाइजेशन की जाती है और अपने शॉट सिलेक्शन को उसने सही तरह से अडॉप्ट किया। अली 2010 से ये ख्याल में आईपीएल का हिस्सा बना हुआ है और वसीम अकरम तो काफी पहले से वहां पर आईपीएल में ये लोग कर ही रहे थे, कभी जिक्र नहीं किया, अब नजर आ रहा है। वसीम भाई का भी कहना ठीक है यार कोई बात नहीं है, मगर ये कि उसने बहुत टाइम लगाया। अच्छा ऐसा क्या किया, मैं उसको फॉलो कर आईपीएल की पैदाइश से पहले से जानता हूं उसको, सूर्या कुमार को, यानी कि मैं आपको अंदाजा ये कि क्रिकेट नर्स ने आपको बहुत दिया था, नहीं आईपीएल की पैदाइश से पहले से आईसीएल भी होती थी उस वक्त भी, तो मैं यही कह रहा हूं ना कि उसकी पैदाइश से जानता हूं मैं उसको सूर्या को। और सूर्या को मैंने अभी दो दिन पहले बताया कि 2017 में जब उसकी शादी हुई तो उसकी बेगम ने उसको बड़ा टाउन किया, उसने बोला कि यार तू भाई सुबह से निकलता है, रात में घर आता है, तू कौन सी क्रिकेट खेल रहा है, तेरा नाम ही नहीं, कोई जानता ही नहीं तुझे, ठीक है। तो उसके बाद उसने अपने कुछ फोकस चेंज किए, न्यूट्रिशनिस्ट कोचेस और वो उन लोगों से उसने मुफीद मशवरे लिए जो उसकी क्रिकेट को मेडनेस की तरफ लेके चले हैं। तो ये जो मेडनेस अब नजर आ रही है सूर्या के अंदर, इसके पीछे काफी वर्कआउट है। उसने कहीं गाया नहीं, उसने कोई वीडियो नहीं बनाई, उसने किसी को बताया नहीं, ठीक है, मगर वो अपने गेम पे फोकस करता रहा। और आज दुनिया यकीनन उसको अभी एक साल तकरीबन हुआ है उसके डेब्यू को T20 के। आप देखें 140 करोड़ का वो लड़का वहां से निकल कर आया, 10 साल उसने अपने सिस्टम को दिए, 250-300 मैचेस फर्स्ट क्लास के उसके लगे में, तो एक साल के अंदर प्लेयर ऑफ द हो गया। यार अब मैं यही कह रहा हूं कि अगर तो आप चेक करें बैकग्राउंड बेहतरीन। आप क्या समझते हैं जो वसीम अकरम ने स्टेटमेंट दिया सूर्य कुमार के, हम कराची किंग में ऐसा सूर्य कुमार क्यों नहीं बना सकते, पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसा सूर्य कुमार क्यों नहीं बना सकते, इसलिए बना सकते हैं दूसरे को देख के स्टेटमेंट दे रहे हैं वो, इसलिए कि जैसे कि अभिषेक भाई ने कहा कि उसने डोमेस्टिक के कितने ज्यादा मैचेस खेले हैं। अभी जो मोहम्मद हारिस की आप भी तारीफ कर रहे हैं अपने शो में, हर कोई कर रहा है, मोहम्मद हारिस को देख के आपको हैदर अली याद नहीं आते हैं कि जिन्होंने इंग्लैंड में हाफ सेंचुरी कर दी थी, उसके बाद उनसे खेला नहीं गया। मोहम्मद हारिस के साथ ये है कि अभी वो एक गैम्बल है, प्लेयर्स को उनका पता नहीं है, वो कोई इतने टेक्निकल खिलाड़ी नहीं है। उन्होंने 4 या 5 फर्स्ट क्लास के मैच खेले हैं और 24 उन्होंने लिस्ट ए के मैच खेले हैं, और हैदर अली के साथ भी ऐसे ही है। जैसे ही ये फाइंड आउट हो जाएंगे, फिगर आउट कर लेंगे इनकी वो कमियों को, ये नहीं पकड़ते वीडियो एनालिस्ट को पकड़ देंगे, ऑफ कोर्स कर लेंगे, क्योंकि आपका बैकग्राउंड नहीं है ना, आप किसी आप बस ऐसे ही आपको पकड़ा और ऐसे उठा के आपको डाल दिया, आपने ना कोई की है ना कुछ किया हुआ, हैदर अली वाला हिसाब मुझे याद है। देखना मेरे आज तक विराट कोहली को वीडियो एनालिस्ट नहीं पकड़ सके, सवाल ये पैदा होता है फिर अगर वीडियो एनालिस्ट इतना इंपॉर्टेंट है, आपकी बात सही, मैं भी एग्री करता हूं कि पहला सीजन या पहला साल इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी प्लेयर के लिए बड़ा आसान होता है, उसके बाद वीडियो एनालिस्ट का काम शुरू हो जाता है और वो खामियों को और खूबियों को वो अपने जो सॉफ्टवेयर में उसमें ऐड कर लेते हैं। लेकिन सवाल दूसरा ये पैदा होता है काउंटर पार्ट कि भाई जो रूट है बाबर आजम भी टेस्ट वनडे में, इनके क्यों नहीं पकड़ पाते जो ये हमारी प्लेयर्स को ज्यादा होते हैं।